दोस्तों, हम जानते ही हैं कि चांद के दिखने के बाद ही ईद मनाई जाती है। कभी कभी इसी चांद को देखकर मुसलमानों में मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग धर्मों में बट जाते हैं और दो ईद हो जाती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? ईद और चांद का रिश्ता क्या है? ईद उर्दू कैलेंडर यानी हिजरी के हिसाब से मनाई जाती है। उर्दू कैलेंडर का 9th मंथ यानी कि 9वां महीना रमज़ान का होता है, जो आमतौर पर 29 या 30 दिन का होता है। इसके बाद 10वां महीना शवाल शुरू होता है, जिसकी 1 तारीख को ही ईद मनाई जाती है। उर्दू कैलेंडर का हर महीना चांद को देखकर शुरू होता है। जब नया चांद दिखाई देता है तो ही नया महीना शुरू होता है। इसी नए चांद को देखकर ईद यानी कि शव्वाल का महीना शुरू होता है और इसी चांद को लेकर मुसलमानों में मतभेद हो जाता है और ईद एक की बजाय दो हो जाती हैं। तो आखिर है क्या ये हिजरी यानी उर्दू कैलेंडर? उर्दू कैलेंडर एक इस्लामी कैलेंडर है जिसको हिजरी के तौर पर जाना जाता है। इसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब ने सऊदी अरब के मक्का शहर को छोड़कर मदीना शहर में बसने पर की। उसी साल से हिजरी की शुरुआत हुई। इस समय 1442 हिजरी चल रहा है। मुहर्रम उर्दू कैलेंडर का पहला महीना होता है और इसी महीने की 1 तारीख से उर्दू कैलेंडर शुरू होता है। इसमें भी 12 महीने होते हैं, जिसमें रमज़ान 9वें महीने में और ईद 10वें महीने की 1 तारीख पर, बकरा ईद 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। आखिर तय कैसे होता है नया चांद? पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक चक्कर पूरा होने में 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से 365 दिनों वाला साल हर चौथे वर्ष लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तब फरवरी में एक दिन और बढ़ जाता है, लीप ईयर का साल 366 दिन का हो जाता है। ठीक इसी तरीके से चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और साइंस के अकॉर्डिंग अगर पृथ्वी अपनी जगह ठहरी रहे, चांद परिक्रमा करता रहे, तो 27 दिन में चांद पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन चांद के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती है, जिसकी वजह से पृथ्वी और चांद का एक चक्कर 29 दिन और कुछ घंटों में पूरा होता है। एक चक्कर को पूरा हो जाने के बाद जो चांद दिखता है उसे नया चांद कहा जाता है। पर हम ये भी देखते हैं कि ईद का दिन भी घट जाता है, तो ईद कभी जुलाई में होती है तो कभी मई जून में या फिर अन्य महीनों में। इसकी बड़ी वजह यह है कि उर्दू कैलेंडर में 355 या 356 दिन होते हैं और ये 10 दिनों का फर्क ही ईद को हर साल 10 दिन घटा देता है, जिससे ये अलग अलग महीनों में पड़ती रहती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में ईद कैसे मनाई जाती है? भारत में कई शहरों में अलग अलग चांद कमेटियां गठित है। सबसे असरदार ऐलान लखनऊ या दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से होता है। देश में भी मुस्लिम समुदाय दो घरों में बटा हुआ है, एक शिया समुदाय और दूसरा सुन्नी। दोनों की ही चांद कमेटियां अलग अलग है। इन चांद कमेटियों में हर राज्य में नुमाइंदे होते हैं और वो दो काबिल लोगों को चांद देखने की गवाही पर इसका फैसला करते हैं, फिर चांद दिखने या नहीं दिखने का ऐलान कर देते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे देशों में इसकी स्थिति क्या है। दुनिया में तमाम मुस्लिम देशों में भी चांद कमेटियां गठित है और वही चांद से जुड़े फैसले लेती हैं। हालांकि अब वैज्ञानिक आधार पर चांद की स्थिति का पहले से आकलन करके उर्दू कैलेंडर छापा जाता है। अधिकतर मुस्लिम देशों में ईद की तारीख पहले ही घोषित कर दी जाती है, उसी के अनुसार ईद मनाई भी जाती है। सऊदी अरब और ईरान में उर्दू कैलेंडर के हिसाब से ही ईद मनाई जाती है। इन देशों में सभी समुदाय एक साथ ही ईद मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत में अक्सर दो ईद हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी चांद को लेकर बहुत मतभेद सामने आते रहते हैं। अब इसके वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं। मौजूदा जमाने में सैटेलाइट और अंतरिक्ष के जरिए चांद की स्थिति का बखूबी आकलन किया जा सकता है। ये पता लग सकता है कि चांद अपना चक्कर कब और किस समय पूरा करेगा। इसी तरह नए चांद को माना जाता है। वैसे चांद की स्थिति को बताने वाली वेबसाइट भी है, जिसका नाम मून साइटिंग है। तो अब बात करते हैं कि भारत में ईद कई बार दो हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं? भारत में भी केरल और जम्मू कश्मीर दो ऐसे राज्य हैं जहां 2 मई को या इस साल जैसे 2 मई को ईद मनाई जा रही है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में ये बुधवार यानी 3 मई को होगी। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि जम्मू कश्मीर और केरल अपने फैसले लखनऊ से हटकर खुद लेते हैं। वैसे अधिकतर राज्य लखनऊ के चांद कमेटी के फैसले को ही मानते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। थैंक